नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली जेके गवर्नमेंट प्लस स्टूडेंट पॉइंट में। आज की वीडियो में बात करेंगे अपार्टेंस क्वेश्चन के बारे में। आपको बता दें कि जो क्वेश्चन आप लोगों को किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, खासकर इंडियन आर्मी का एग्जाम जो 25 अप्रैल को होने वाला है, उसके बाद बॉर्डर बटालियंस का एग्जाम होने वाला है, जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसके साथ साथ SSC GD कांस्टेबल की भर्ती जो होने वाली है, उसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों की सिंपल लेवल एग्जाम के हैं, यानी कि 10th लेवल एग्जाम के हैं, अगर आप कोई भी 10th लेवल इट मीन्स कि खासकर डिफेंस जो बेल्ट फोर्स के एग्जाम होते हैं, उसी में ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। खासकर क्योंकि काफ़ी JKSSB के एग्जाम की बात करें तो उसका एग्जाम का लेवल थोड़ा हार्ड रहता है। जे 10th लेवल इंडियन आर्मी के एग्जाम की यहाँ पर बात की जा रही है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, जो सेट नंबर 7 है, अगर आप लोगों ने पहले सेट नहीं देखे हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो प्ले लिस्ट पर विजिट करेंगे बाकी सेट भी देख पाएंगे जो सेट 7 है। बाकी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, इन 1945 ऑन विच सिटी वॉज द फर्स्ट एटम बम ड्रॉप्ड, सबसे पहले जो एटम बम है वो कौन सी सिटी में गिराया गया था 1945 में। सबसे पहले बात करें तो अगस्त के मंथ में 6 अगस्त को हिरोशिमा में ये बम गिराया गया था। उसके बाद आपको बता दें कि 9 अगस्त में नागासाकी पर यह बम गिराया गया था, और ये बम आपको बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने का कारण बना था। ये अमेरिका ने बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी को। सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें तो ये स्टार्ट हुई थी 1939 को, और 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में चली थी। वीडियो को शेयर जरूर करें, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट देखेंगे तो नेक्स्ट सेट हम तभी ही लेके आएंगे। बाकी सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो डिजीज इज कास्ड बाई बाइटिंग ऑफ मैड डॉग, यानी कि पागल कुत्ते को काटने से कौन सी बीमारी होती है, ये होती है हाइड्रोपोफिया। बाकी नेक्स्ट की बात करें तो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कैपिटल कौन सी है पाकिस्तान की, ये है इस्लामाबाद, काफ़ी बच्चे लाहौर लगा के आते हैं। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ इंडिया कौन है फादर, जो है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वॉज द फर्स्ट सेटेलाइट लॉन्च्ड बाई इंडिया, फर्स्ट सेटेलाइट क्या लॉन्च की थी इंडिया ने, आर्यभट्टा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फोन्ड बिटवीन, ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। DDT क्या है, इंसेक्टिसाइड है, ध्यान में रखें, काफ़ी बच्चे मेडिसिन लगाते हैं, DDT एक इंसेक्टिसाइड है। अवर नेशनल एंथम इज, नेशनल एंथम कौन सा है, टाइगर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के टोटल मेंबर कितने होते हैं, 5 4 5 टोटल मेंबर। जम्मू कश्मीर के टोटल लोकसभा के मेंबर बता दें तो 5 हैं, और ऑल इंडिया की बात करें तो 5 4 5 है। अनवी डे पाकिस्तान डे सेलिब्रेटेड 23 मार्च। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है वर्ल्ड का, ऑस्ट्रेलिया। हाउ मेनी स्पोक आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग में कितने स्पोक होते हैं, 24। आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, 15 जनवरी। फर्स्ट मैन गो टू स्पेस, ये रहेगा आप लोगों करके शर्मा। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, इंटेंसिटी अर्थक्वेक की मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है, और अगर अर्थक्वेक की अगर इंटेंसिटी नहीं मापनी हो, ऐसे अर्थक्वेक मेजर करना हो, तो वो उसमें चाहिए रिक्टर स्केल, ध्यान में रखें। अगर इंटेंसिटी की बात की जाए तो सिस्मोग्राफ, अगर इंटेंसिटी की बात ना की जाए तो रिक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 मिनट्स की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, किसी भी ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ध्यान में रखें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लिविंग सेल्स इज सेमी प्रेमेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और वाशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, जो दोनों याद रखने हैं, कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, 120 से 80 mm। पेंसिलिन क्या है, पेंसिलिन एक एंजीम्स है, जो भी क्वेश्चन BSF CSF ओपन रैली में आया था। बाकी प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की प्यूरेस्ट फॉर्म कौन सी है, डायमंड। यूनिट ऑफ फोर्स का यूनिट न्यूटन। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर शेल इज कॉल्ड, यह है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान में रखें। बाकी रेड पिगमेंट प्रेजेंट रेड ब्लड, यानी कि RBC में रेड पिगमेंट है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच नॉन मेटल कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट। फार्मूला ऑफ एडिट साल्ट का फार्मूला क्या है, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, एडिट साल्ट को सोडियम क्लोराइड भी बोला जाता है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। मेन सोर्स ऑफ हीट का मेन सोर्स क्या है, इनमें से सन है। अनीमिया आकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, अनीमिया किसकी कमी से होती है, ये होती है आयरन की कमी से। हेल्थी मैन का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का धातु कौन सा है, हीलियम, H। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। और मैनी स्टेट आर देयर इन मैटर, मैटर की कितनी स्टेट होती है, 3, साइलर ल्यूकर गैस।
प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द ओपन एयर, खुली हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 78%, ऑक्सीजन की 21% है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, वीडियो अच्छी लगी तो बड़ा लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। 5 मिनट्स की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किसी भी कैंडिडेट्स के लिए। आपको बता दें कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम जम्मू कश्मीर पुलिस में इसमें से जितने क्वेश्चन दिखाए हैं इसमें से पिछली बार कम से कम 3 क्वेश्चन आए थे, और इंडियन आर्मी में मैक्सिमम ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एसएससी जीडी का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा हाई होता है कंपैरिजन इंडियन आर्मी और जेकेपी के एग्ज़ाम में। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं सेट नंबर 8 में कुछ नए क्वेश्चन लेकर, कुछ थोड़े बहुत हार्ड क्वेश्चन भी ऐड करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे।